नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी के शाहजहांपुर में पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामवासी, टूटी पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। दरअसल मोट तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर थाना परिसर के सामने जल विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जहां एक ओर पीने के पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, तो वहीं एक तरफ ट्यूबवेल से आने वाला पानी पीने की सप्लाई जो ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में लोगों की प्यास बुझाता है, वही पाइपलाइन जगह जगह टूट कर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं एक नजारा थाना परिसर के सामने बना हुआ है, उस पानी से ग्रामीणों को भी समस्या हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मामला एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। कई बार जल विभाग के लोगों को भी बताया गया, पर इसका कोई निवारण नहीं हुआ, क्योंकि यह पानी एक गड्ढे में एकत्रित होकर जमा हो रहा है। राहगीरों को आने जाने और वहां से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह नजारा थाने के मेन गेट के सामने है, जहां हजारों लीटर पानी जलकल विभाग की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। शाहजहांपुर से न्यूज 30 लाइव टीवी के लिए दीपांकर राही की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या ये पानी की है कि ना जगह जल कर रहे लोग, ग्राम शाहजहांपुर के रहने वाले, और है ना शाहजहांपुर में क्या ही लोग गिर पड़ रहा है मोटरसाइकिलों से, कहूँ निकलने में असमर्थ हो रहा है। कहाँ की समस्या है वो जी? ग्राम शाहजहांपुर की, थाने के सामने।